इम्पोर्टेंट आपको अंडरस्टैंड आपको क्या समझना है कि व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन. बहुत बच्चे बताएगा डायरेक्ट नरेशन का मीन हिंदी में क्या होता है, प्रत्यय. यस, इनडायरेक्ट मीन क्या होता है? इसको आप डिफाइन करें, आपको क्या समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट नरेशन. कैसे समझेंगे हम इसको, व्हाट इज द डायरेक्ट नरेशन क्या होगा, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन. इसको आप सिंपली समझ सकते हैं, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल किसको बताया, जो फर्स्ट पर्सन जो भी वक्ता जो बोल रहा होता है वर्ड जो होते हैं उनको सेम टू सेम किसी से कह देना थर्ड पर्सन से, वो क्या कहलाता है डायरेक्ट नरेशन. अब इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपर वे में तो क्या करेंगे, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. क्या डिफाइन करेंगे इसको, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, स्पीकर यू अंडरस्टैंड, यस सर, स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. The exact words of the speaker is called direct narration. For example, see. I'm here. Sia said to me, I am your best friend. Sia said to me, I am your best friend. एक सेंटेंस को हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप से एक सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं. पहले तो ये समझे कि ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. आई टोल्ड यू यस्टरडे, यू रिमेंबर समथिंग? यस सर. पार्ट है आपका इन्वर्टिड कॉमास के अंदर और एक पार्ट है आपका इन्वर्टिड कॉमास के बाहर. तो इन्वर्टिड कॉमास के बाहर जो पार्ट है आपका, इसको क्या बोलेंगे आप? रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग क्लास. एंड द पार्ट इस तरह से सेंटेंस टू पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है, स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है ना? अब आपको ये बताया गया था कि जो फर्स्ट सेंटेंस में जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसको क्या बोला जाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, स्पीकर. स्पीकर क्या बोल सकते हैं, नरेटर. ठीक है ना? यस, ये तो कर चुके हैं ना आप.
हाँ केवल डेफिनेशन आपने नोट नहीं किया, तो डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट चैप्टर कर सकते हैं।